नमस्कार दोस्तों, रबर कल्टीवेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, मैं एक जगह पर गया था, यहाँ पर खाली दो ही ट्रेनिंग हुआ था, तो दो दिन में ही इन लोग इतना तक सीख लिया था दोस्तों। तो कैसे जेबों को किस तरफ से पकड़ के काटा जाता है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मार्किंग से पहले एक स्केल बना लीजिए आप। स्केल अगर वुड का होने से बढ़िया होता है, अगर वुड का अवेलेबल नहीं है तो एक स्ट्रेट बेम्बू का भी बना ले सकता है इस तरफ से। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बार्ड यूनियन कहा जाता है। तो मार्किंग से पहले जो बार्ड यूनियन कई कई पेड़ में मिट्टी का अंदर में होता है, कुछ पेड़ में मिट्टी का ऊपर में होता है। तो दो बार्ड यूनियन जो है देखने के लिए आपका एलिफेंट लेक का जैसा होता है, तो उसको पहले देखना चाहिए, इसलिए कि क्योंकि कई पेड़ में बहुत अंदर तक होता है। तो अंदर में अगर मिट्टी का अंदर में बार्ड यूनियन होता है तो आप स्केल को जब आप माप लेते हैं, माप लेने का टाइम में आपका मिट्टी से लेना होगा। और दोस्तों मैं इन लोगों को समझा रहा था कि ये जो मार्किंग करने का टाइम है मतलब एक ही साइड में करना है, तो एक लाइन में अगर पेड़ जो होता है सेम लाइन में अलग अलग हिस्सा में मतलब मार्किंग नहीं होना चाहिए, अलग अलग साइड में मार्किंग नहीं होना चाहिए। तो एक ही साइड में मार्किंग होने से टैपिंग करने के लिए आसानी होता है दोस्तों, ठीक है। और स्केल को दोस्तों आप 125 सेंटीमीटर तो माप करके लेना चाहिए पहले फिटा से। तो 125 मीटर में आप एक मार्क बना लीजिए, तब तो आप आसानी से जो मार्किंग कर पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों मार्किंग के समय दोस्तों आपका जो लेफ्ट लेग होता है वो लेफ्ट लेग से आपको ये स्केल को समेट करिए इस तरफ से, जैसे मैं अभी फिल वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस तरफ से लेना चाहिए ताकि स्केल ना हिले दोस्तों। और बहुत से लोग गलती करता है तो मार्किंग करने का टाइम में पूरा बैठ जाता है, इसे बैठने से क्या होता है कमर में दर्द होता है, ज़्यादा आप मार्किंग नहीं कर पाएंगे। तो आधा नीचे से खींचना चाहिए और आधा ऊपर से खींचना चाहिए, पूरी तरफ से बैठ कर ये मार्किंग बनाना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। और ये फीता का जो है दोस्तों आपका टेलर का जैसे मतलब ऐसे गल में लेना चाहिए। मैं मार्किंग का वीडियो बहुत ही ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर भी आपको मैं जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पर मैं वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि आप ये काम को जानते हैं, टेपिंग या मार्किंग को जानते हैं, फिर भी अगर वीडियो को देखता रहेंगे तो उसमें भी आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलता है दोस्तों। अगर आपका कुछ गलतियाँ होता है तो आप वीडियो को देखने से, बार बार देखने से आपका जो गलतियाँ जो है दूर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इस तरफ से मिडिल में एक सीन देना है, ठीक है। लेकिन मार्किंग तो बहुत लोग जानते हैं, फिर भी कभी कभी गलत कर लेते हैं, तो इसलिए अच्छा से देखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस तरफ से जो पेड़ को दो भाग जो किया जाता है, दो भाग करने से उसको हाफ स्पाइरल यानी S2 कहा जाता है। तो इसका बारे में मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, आज इसका बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फिलहाल मैं दोस्तों आप लोगों को कुछ टैपिंग का वीडियो दिखाऊँगा, ठीक है। फिलहाल ये मार्किंग का वीडियो पहले देख लीजिए। और ये मार्किंग को दोस्तों ये नीचे में भी एक बार करना चाहिए, ठीक है। नीचे में एक बार करने से क्या होता है, ये बढ़िया से जो पेड़ जो है बराबर डोबा हो जाता है। तो कुछ पेड़ जो टेढ़ा होता है, कुछ पेड़ जो बेन होता है, बेन पेड़ के लिए नॉर्मली ये नीचे में ये जो मार्किंग करना बहुत कंपल्सरी होता है, ठीक है। टेढ़ा पेड़ में जो है ऊपर का हिस्सा तो बराबर होगा लेकिन नीचे का हिस्सा बराबर नहीं होता है, तो इक्वली हम दो भाग में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए और एक चीज़ दिखेगा इसमें, मैं फिलहाल वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, वीडियो में मैं डायरेक्ट ये मतलब आप लोगों को के लिए मैं माइक लगाकर बोला था, तो माइक थोड़ा ख़राबी हो गया जिसकी वजह से आप लोगों को अच्छे से सुनाई नहीं दिया। और ये जो बैकलाइन होता है, बैकलाइन थोड़ा ऊपर ही तक देना पड़ता है, 125 सेंटीमीटर से थोड़ा ऊपर तक देना पड़ेगा जो बैकलाइन होता है, क्योंकि हमारा टेम्पलेट जो है थोड़ा ऊपर तक चला जाता है, ठीक है। तो अभी ये बैकलाइन बना दिया है, ठीक है। तो हमारा जो स्लोप होता है, एंगल जो होता है, ये वो है 30 डिग्री होता है। ये देखिए टेम्पलेट है ये, अभी टेम्पलेट को इस तरफ से लगाइए दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, मैं टेम्पलेट को अकेला खुद से पकड़ कर ये मार्किंग किया है। कभी कभी आपको ये लोग या लेबर नहीं भी मिल सकता है मार्किंग के लिए, तो आपको खुद अकेला करना पड़ेगा। और ये जो मार्किंग नाइफ होता है थोड़ा शार्प कर लेना चाहिए, जितना शार्प होगा आपको काम करके उतना अच्छा लगेगा दोस्तों। देखिए इस तरफ से लाइन को मैं खुद अकेला बना दिया है दोस्तों। और जहाँ जहाँ पे कुछ जगह में जो ये टेम्पलेट का जो गैप होता है गाइडलाइन को, अच्छा से टेम्पलेट को बैठा कर वो कम्प्लीट बढ़िया से देना चाहिए, ठीक है दोस्तों, इस तरफ से।
और एक चीज को देखिएगा दोस्तों, मार्किंग करने के बाद ये जो हम मार्किंग नाइफ से दिया है, ये जो गार्ड लाइन को, बैक लाइन और फ्रंट लाइन को, ये जो बैक लाइन को इस तरफ से जेबोंग से थोड़ा और आप काट लीजिए। ज़्यादा दबाकर नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा ऊपर ऊपर हल्का सा बनाना चाहिए लाइन, क्योंकि मार्किंग नाइफ से जो देते हैं वो इतना अंदर तक मार्किंग नाइफ नहीं जाता है। तो इस तरफ से जेबोंग से थोड़ा लाइन बनाकर लेने से जब आप टैपिंग के दौरान, मतलब टैपिंग के दौरान जो होता है जो गाठ लाइन क्रॉस होके नहीं जाता है, ठीक है, मतलब जब एक स्पाइरल को आपका काटना चाहिए टैपिंग के दौरान, अगर इस तरफ से बना लेने से उस पार्ट में जो है आपका नाइफ नहीं जाता है दोस्तों, ठीक है। इस तरफ से आप फ्रंट लाइन और बैक लाइन को जेबोंग से बना लीजिए दोस्तों। ये अभी इसको हम, ये इसको क्या बोलते हैं, गाइडलाइन। अभी यहाँ से हम ठीक है, दो लाइन बना दिया। अभी हम इसको बनाएगा ऐसा, ऐसा पकाने से क्या होता है, ये थोड़ा टाइट हो जाता है ऐसा, मुझे तो ऐसा ही अच्छा लगता है, फ्री हो जाता है। आप लोग नया सीखा है, ऐसा पकड़ भी सकता है इसको, हाथ को ज़्यादा पीछे नहीं, आगे भी नहीं, मिडिल में लेना है, ठीक है, राइट हैंड इज मेन। आप लोग एक ही बार बनाओ, हाँ, ये इधर में स्पॉट चाहिए, स्पॉट तो क्या, इसका नाम है स्पॉट, इसको तीन नंबर लाइन में भी दे सकता है, एक दो तीन, हाँ, इसको ऐसा माना है, ऐसा ऐसा नहीं माना है, हाँ अच्छा अच्छा, ऐसा माना है, हो गया, ठीक है, तीन लाइन। आप लोग लेकिन एक काम करो, जब नया शुरू करता है टैपिंग, इसको एक दिन में एक ही बार काटना है, दो तीन बार नहीं, इसको एक ही बार काटना है, एक दिन कोई लोग सोचता है कि एक दिन में तीन चार बार काटेगा, नहीं, एक ही बार, एक बार एक ही, आप लोग कंटिन्यू जब टैपिंग शुरू करता है कंटिन्यू 20 दिन तक कर सकता है, जब तक ये अच्छा से दिन नहीं बन जाता है। ये रस्सी को ऐसा पकड़ना है, और ये टैपिंग पैनल की अपोजिट साइड में ये गाफ को देना चाहिए, इस साइड में, इस साइड में आओ, गाफ को ऐसा देना चाहिए, ये प्लास्टिक रस्सी है ना, ऐसा दिया, इधर में दिया, और एक बार देना पड़ेगा, मतलब आपको हमें बी पैनल में कैसे मार्किंग करके शुरू करता है वो सिखाया हूँ, ठीक है। मतलब ये साइड में गाँट देने से अच्छा नहीं होता है, कभी कभी लेटेस्ट बारिश देने से, गिरने से गाँट में ये लेटेस्ट जम जाएगा, खींचने से भी रस्सी नहीं खोलता है, इसलिए गाँट को उस साइड में देने से अच्छा है, ठीक है। इसको फिर हम ऐसा क्या था, स्लाइसली बाग कितना करना चाहिए, स्पीड आपको बाद में आ जाएगा, स्पीड नहीं चाहिए, आस्ते आस्ते करो, फिनिशिंग को थोड़ा जबों को ऐसा घुमा दो, ठीक है। सामरा एकदम पतला चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, 1.5 mm खास, 1.5 mm चाहिए, हाँ। इसे आपको कैमरा मैन ओनली कैमरा मैन ओनली, ऐसा काटा है, ऐसा 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 ऐसा, एकदम पतला पतला करना चाहिए, ठीक है, बार को आपको क्या करेगा, जब टैपिंग करेगा, टैपिंग करने के टाइम में काप को ऐसा उल्टा रखो, चलो चलो, आप टैपिंग करने के टाइम में काप को ऐसा रखो, क्यों ऐसा रखना है, आप देखो ये जो सामरा धूल में नहीं गिरेगा, हम जब ऐसा काटेगा स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा प्रेस करेगा, काटा है और बार ठीक कर लो, ये देखो ये सामरा नहीं, तो सामरा आपको फिनिशिंग में ऐसा करना है, ये सामरा जो है ये कप ऐसा करने से कप में गिरेगा, इसलिए इसको उल्टा करना है। अभी जब लेटेक्स आके इधर में गिरेगा तब इसको ऐसा करना है, ऐसा रखना है, ठीक है। हम इसको थोड़ा और बड़ा बनाने से अच्छा है, जेन को ना थोड़ा ज़्यादा नहीं, वो थोड़ा ये सीन तक ना, ये सीन तक थोड़ा बड़ा बनाने से, थोड़ा ये डेन बड़ा होने से लेटेक्स उधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है।